So we have started this Christmas season two Sundays ago a series called My Wish this Christmas. और हमने पिछले दो संडे से एक श्रंखला को हम हम बना रहे हैं जो Christmas के तौफ़ के ऊपर है। First Sunday we talked about uh, hope. और पहले तुवार में हमने आशा के बारे में बात किया था एंड द लास्ट संडे ब्रदर अ वेरी गुड वर्ड ऑन पीस और पिछले के ऊपर दूसरे तोहफे के ऊपर प्रचार किया था। किस प्रकार के जन्म ने हमको आशा दी है एंड बर्थ ऑफ जीस गिवस और किस प्रकार परमेश्वर के जन्म के द्वारा हमको शांति मिलती है टूडे आई वॉन्टर विथ यू दर्ड एंडल ऑन दिस क्रिस्मस सीरीज

A specially imported cake all the way from Cochin. plum cake has already arrived uh, and so looking forward to that family a special cake kerala's plum cake and then uh, of course our own brothers in our church brother suresh brother rajesh they're all working very hard to prepare a beautiful dinner for us cooked right here

ज फ्लडेड विथ लाव और जब से यशु का जन्म हुआ पूरा संसार प्रेम से भर गया बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस आई डोंट नो हाउ लाइफ वाज ऑन दिस प्लेनेट मुझे नहीं पता कि परमेश्वर के यीशु के जन्म होने से पहले इस किस प्रकार के जिंदगी जीवन लोगों का था देयर वाज लॉट ऑफ ट्रायल्स लॉट ऑफ स्ट्रगल्स पीपल वर ट्राइंग टू रिलेट टू गॉड गॉड वाज ट्राइंग टू रिलेट टू पीपल एंड इट वाज अ मेस और बहुत से संघर्ष थे लोग परमेश्वर को जानना चाहते थे और बहुत ही एक 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 ऐसा एक ऐसा समय था But there was a lot of law and rules and regulations that was written, trying to keep everything in order so that there will be some kind of sanity in the world. But thank God, 2021 years ago, Christ was born. And the world, for the very first time, began to experience.

जो इस प्रेम का अनुभव करते हैं क्योंकि Amen. Amen. So है मसीह संसार में आ गया प्रेम को हमें देने के लिए। अबाउट और आज हम इस प्रेम के बारे में बात करेंगे आई फाउंड आउट दैट फेसबुक अनाउंट लास्ट ईयर दैट दिसंबर वॉज द मोस्ट पॉपुलर मंथ ऑफ द ईयर फॉर कपल्स टू गेट एंगेज और कपल्स टू प्रपोज और कपल्स

It was I was so surprised to find out that December month, the, the time of Christmas, especially Christmas Eve, was the day more couple have got engaged in the world in any given calendar year. And so even though there are other days like New Year's Day or Valentine's Day christ coming to this world have marked something very special for people about love so this message the love of god is the constant and the central message of the bible और वचन का बाइबल का यीशु का प्रेम एक ऐसा केंद्र संदेश है जो आज हम इसके बारे में बात करते हैं दिस लव दी ए टॉकिंग अबाउट इज द मोस्ट अन नेचुरल लव दर इज और जिस हम प्रेम की आज सुबह बात कर रहे हैं बहुत ही अस्वाभाविक सा प्रेम है दिस लव दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द मोस्ट अनमेरिटेड लव और ये जो प्रेम है ऐसा प्रेम जिसके हम योग्य नहीं है इट इज द मोस्ट अनचेंजिंग लव और ये ऐसा प्रेम है जो ना बदलने वाला प्रेम है एंड इट इज ऑल्सो द मोस्ट यूनिवर्सल संसारिक रूप है एक, एक ऐसा संसार के लिए प्रेम और यही ऐसा प्रेम है जो आज हमारे हमारे संदेश का हमारी पढ़ाई का आज एक अन क्रिसमस गिफ्ट आई प्रे दी विल ऑल डिजायर दिस गिफ्ट द गिफ्ट ऑफ लव इन आवर लाइफ जिस प्रकार आज इस को खोलते हैं आप सबके सामने आइए एम ऐसी प्रार्थना करे ये प्रेम आज हमारे अंदर पाया जाए बट लेटमी क्वेश्चन टूडे मैं आपसे एक सवाल आज पूछना चाहता हूं हैव यू एवर लेफ्ट अ क्रिसमस गिफ्ट दैट यू रिसीव अन कि आप आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको एक तोहफा मिला लेकिन आपने उसको बिना खोली ऐसे छोड़ दिया ऐसा कोई तोफा जो आपको मिला लेकिन आपने कभी खोल के ही नहीं देखा उसको आई a gift that has never opened. मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा बैठा है जिसको तोहफा मिला और आपने खोला ही नहीं

In the 10th anniversary of our church, we made special gifts for all the members of our congregation. And we put the name on top of the gifts to give to individuals. At the anniversary service, we were able to give out

I don't feel like opening it. I don't want to give this to somebody else. Because this gift was designed, it was made, it was specifically set aside for a certain person. And in my heart, every time I see that gift in my cupboard, I'm sad. और जब भी मैं उन तोहफों को देखता हूं मैं बहुत निराश हो जाता हूं बिकॉज दैट पर्सन वॉज नेवर देयर टू रिसीव इट क्योंकि वो पूर्व जिसके लिए बनाया गया था वो कभी आया ही नहीं उसको लेने के लिए। थिंक ऑफ दिस God gave the ultimate gift, the highest gift, the greatest gift ever, called love, wrapped in this beautiful gift called Jesus. And there are many people who have not received it. There are many people who have not opened it. There are many people who have never experienced that love in a real way in their life. You might be coming to church. Church. you may even call yourself a Christian you may do all the religious things but still the ra the gift that God has given in Christ is remaining as a pact

Experience the love of Christ is the greatest gift, the greatest experience, the greatest feeling one can have. If you felt good about receiving the gift that I gave you today, but then think about. The, the goodness, the joy, the happiness that you have in your heart when you invited Jesus, the gift of love, into your heart. Hallelujah. Hallelujah. Love, my brothers and sisters, is the most beautiful thing in the world. प्रेम सबसे खूबसूरत चीज इस दुनिया में पाई जाती है लव बिटवीन अ मैन एंड हिस्स वाइफ जब आप एक पति और पत्नी के प्रेम को देखते हैं यू हैं कि डिस प्रेम कहां से आया है और यू सी द लव बिटवीन अ अ पेरेंट एंड चाइल्ड आप देखते हैं एक एक, माता पिता और उसके बेटे में जो बच्चे में जो एक प्रेम होता है और वेन यू सी द लव बिटवीन फैमिली जो परिवार में प्रेम को देखते हैं और वेन यू सी द लव बिटवीन गुड फ्रेंड्स और जो आप दोस्तों के बीच में प्रेम को देखते हैं यू यू डेफिनेटली know that this this experience of love is not merely human, but there's something that is put in us by God Himself. And during Christmas, during the month of December, there is an extra dose of love. There is an extra measure of love because we are all in this mood to love one another, to love and to care for one another, and also to express that love through giving. to others. और इस क्रिसमस के समय में ये प्रेम दुगना हो जाता है जब हम आपस में मिलके रहते हैं और आपस में हम भेंटों को देते हैं और गिफ्ट्स को देते हैं इन जॉन चैप्टर फोर वर्स सेवन और यहुना रचित सुसमाचार के चार अध्याय के सात पद में इस प्रकार बाइबल वेरी क्लियरली सेज दैट दिस लव द agape लव द डिवाइन लव वहाँ लिखा है की जो अग्पे जो बे शर्ती है प्रेम है ये सिर्फ परमेश्वर की ओर से आता है परमेश्वर स्वयं प्रेम है माई डियर फ्रेंड्स द वर्ल्ड केनोट गिव यू लव और मेरे दोस्त हो ये संसार आपको प्रेम नहीं दे सकते थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड केनोट गिव यू लव संसार की वस्तु आपको प्रेम नहीं दे सकती लव डस नॉट ओरिजिनेट इन दो थिंग्स क्योंकि क्योंकि प्रेम की उत्पत्ति उन चीजों में नहीं निकली है ओनली द सोर्स ऑफ लव कैन गिव यू द ट्रू एंड love. लव जहां से श्रोत जो प्रेम का है वो ही आपको प्रेम दे सकता and है एंड दैट लव

and unless Jesus Christ is manifested through us, we cannot demonstrate the love of God to others, and others will not. Ne will never know us as jab, we are. Are you with me this morning? Mere hai are you following the message this morning? Ko kar rahe? It was Corey Ten Boom, a man of God, who said like this Ek se kaha, Who can add to Christmas? Hai. Korn, kya jod sakta hai Christmas who, who can add to Christmas? Or Christmas kya jod sakte the perfect motive is that God so loved.

लास्टिंग लाइफ और इसका जो इसका जो इसका जो परिणाम वो ये है कि हमें अनंत जीवन मिलेगा वावरफुल ट्रूथ इज यू रिसीव जीसस इन योर हार्ट और कितनी अद्भुत सच्चाई की जब ये अपने जीवन में ग्रहण करते हैं नॉट ओनली यू रिसीव द लव ऑफ गॉड सिर्फ आपको ये का प्रेम ही नहीं मिलता यू विल बी एस्टेब्लिश इन टू अटफुल रिलेशनशिप विद गॉड नॉट ओनली फॉर दिसर बट फॉर इटर्निटी लेकिन इसके साथ ही साथ एक परमेश्वर के साथ एक ऐसा संबंध को आप जोड़ते हैं जो आपको अनंत

से चॉकलेट को लाती थी हमारे लिए बट मोर देन चॉकलेट्स लेकिन चॉकलेट से भी ज्यादा क्लोथ्स और मटेरियल्स फॉर स्टिचिंग शर्ट लेकिन उससे भी ज्यादा वो कपड़े हमारे लिए हम बुनते थे हमारे लिए कपड़ों को लाती थी और वो कपड़ों से हम बड़ा प्यार करते थे बिकॉज इन when वी we were किड्स to wear imported clothes was something big और उन समय में कोई बाहर से दूसरे देशों से कोई कपड़े ऐसा आए हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी वो। Now of course we get everything under the sun everywhere। और अब तो खैर हमें सब जगह सब कुछ मिल जाता है। But in our days when we were kids, the only clothes that was readily available in the market was Indian-made materials। क्योंकि उस समय हमारे बाजारों में सिर्फ इंडियन या भारतीय कपड़े ही मिलते थे उस समय ऐसे दूसरे देश से कोई कपड़े पहनना और अपने दोस्तों को दिखाना मिलने बहुत बड़ी बात थी आई डोट नो Many of you may not be able to relate to what I'm talking about because you don't experience anything like that. There was such an excitement and thrill for me to show off my imported clothes. And to this day, I remember my auntie. I am grateful to her. I love her the most among all of my auntie because of the gifts that she used to bring year after year. एवरी ईयर और आज तक मैं उन आंटी से बड़ा प्रेम करता हूँ क्योंकि हर साल वो मेरे लिए ऐसे कपड़ों को लाती थी दिस पर्टिकुलर एंटी मई माई डैड सिस्टर

और एक पिता होने के नाते आई मी not और मैंने ऐसा देख रहा हूँ बदल चुका है आई फाउंड ग्रेटर ग्रेटर डिलाइट इन गिविंग और मुझे ज्यादा खुशी देने में मिलती है इसके बजाय लेने में मिलती बैचलर अ सिंगल व्हेन आई लव्ड रिसीविंग एंड द अल्टीमेट जॉय और जब मैं छोटा बच्चा था मैं जब जवान था शादी शुदा नहीं शादी नहीं हुई थी तब तक मुझे लेना तोहफे बड़ा पसंद था बट नाउ एज अ फादर एज एन अडल्ट एज ए ग्रोन मैन I have greater joy in giving than receiving. लेकिन अब मैं एक वृद्ध हूं और मैं एक पिता भी हूं तो अब मुझे तोहफे देने में बहुत आनंद मिलता है. Why? Why do you think I have greater joy in giving? क्यों आपको ऐसा लगता है कि मुझे देने में ज्यादा आनंद मिलता है? What changed? क्या हो क्या बदल चुका है डिफरेंस इन माइ लाइफ क्या बदल चुका है जेम्स लाइक्स टू टू गिव गिव और डू यू लाइक एन क्यों आपको देना दूसरों को तोहफे पसंद ज्यादा है कम ऑन आई लाइक टू हियर समबडी से समथिंग आउट बताइए मुझे सुनना चाहता हूं आपसे यस दैट्स एग्जैक्टली राइट दैट माई पॉइंट टू हियर दू सी देंट ऑफ द किड्स Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Daddy, I love you. To, just to hear that gives me the greatest satisfaction. Thank you, Daddy. Thank you, Papa. I think David, my son has hugged me more times when he has received gifts than any other time. Uh, so I would do anything to give because I would love to receive those hugs and this. और मैं कुछ भी कर सकता हूँ तोहफे देने के लिए मुझे गले मिलने को मिलता है अपने बेटे से मैं क्या करूँ फिर गिव समिंग रियली नाई तो अच्छा कुछ दे दून आईर ग्रॉम और फिर तो मुझे गले लगेगा अच्छा यूर चिल्ड्रेन ये तरीका आपने बच्चों के ऊपर अपना सकते हैं सो गिविंग सो देने से ज्यादा खुशी आपको मिलेगी इसके बजाय आप ग्रहण करें से नाउ लेट मी गिव यू अनदर ट्विस्ट दिस और, और चीज आपको बताना चाहता द स्टोरी ऑफ लव और इस कहानी जो प्रेम की कहानी है और क्या आपको ऐसा आनंद मिलता है कि जब आप किसी को ऐसा तोहफा देते हैं जिसको आप जानते हैं कि वो बड़ा उसको प्रेम नहीं मिलता बिल्कुल और हैव यू यू एवर टू टू गिव अ गिफ्ट समबडी दैट डोंट लाइक और क्या आपने कभी सोचा कि जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, उसको अगर आप तोहफा दे रहे हैं तो क्या होगा और मे बी गिव क्रिसमस कार्ड राइट अ क्रिसमस कार्ड टू समवन हु वाज ऑलवेज अब्यूज्ड यू और समवन हु हैज हर्ट यू और समवन हु वाज वन ऑफ दोस बॉयज इन द स्कूल हु गेव यूर हार्ड टाइम और या तो आप कुछ कार्ड में किसी को लिख के दें जिसको आपने जिसने आपको हमेशा दुख पहुंचाया है या आपको चोट पहुंचाई है और हैव यू एवर गिवन Christmas केक और अ कार्ड और अ गिफ्ट

संसार आपको नहीं जानता है जब परमेश्वर परमेश्वर उनके सामने मुस्कुरा सकते हैं जो आपकी तरफ मुस्कुराते नहीं देन यू आर एबल टू गिव दैट क्रिसमस गिफ्ट टू सम नो वॉट इज यस ऑफ बींग गिफ्ट गिवर और ए गिफ्ट रिसीवर तो मैंने जानता कि आपका अनुभव तोहफे लेने के लिए और तोहफे देने के लिए क्या रहा है रिगार्डलेस ऑफ वेदर दो एक्सपीरियंसेस आर गुड और बैड और इसके बावजूद कि आपके अनुभव बुरे या अच्छे रहे हैं गॉड वीटिन्यूस गिवर ऑफ लव परमेश्वर चाहता है कि आप एक एक निरंतर रूप से लोगों को प्रेम दें। क्योंकि मेरा परमेश्वर भी ऐसा ही है he gives, वो देता है। and he gives so generously. और वो बहुत अच्छे अ, 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 बहुत आयत से देता है Amen? Amen. Are you with me today? कि आप मेरे साथ हैं आज सुबह इन जॉन चैप्टर थ्री वेल और ये ऐसा वचन जो हम सब जानते हैं फॉर गॉड सो लव वर्ल्ड क्योंकि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया डियर फ्रेंड्स सेन ही टॉक्स अबाउट द वर्ल्ड जब वो संसार के बारे में बोल He's रहा है, रहे टॉकिंग अबाउट यू एंड मी वो हमारे आपके लिए और मेरे लिए बोल रहा है गॉड सो लव जेम्स परमेश्वर ने जेम्स से इतना प्रेम किया गॉड सो लव डिबो और परमेश्वर ने दीबो से इतना प्रेम किया गॉड सो लव अमिन अमिन से परमेश्वर ने इतना प्रेम 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 किया। किया। और मैं चाहता कि कि आप इस को अपने ऊपर अनुभव करें। so क्योंकि परमेश्वर ने संसार से इतना उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया that whosoever believes in him ताकि जो कोई भी करे, perish, वो नाश ना हो बट वो अनंत जीवन पाए हालेलुया

और उसमें यहां लिखा है सो इफ यू सिंह पीपल नो हाउ टू गिव गुड गिफ्ट टू योर चिल्ड्रन और जब हम पापी होकर अपने बच्चों के लिए अच्छा करना चाहते हैं हाउ मच मोर विल योर हेवनली फादर गिव गुड गिफ्ट टू दो स्वर्ग के पिता कितना ज्यादा हमारे लिए करेगा वाह हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट आवर हेवनली फादर नोस How to give gifts. और कितने आप कितने लोग जानते हैं स्वर्गीता yeah. है तोहफे कैसे देना है, He knows exactly what we need. उसको पता है कि धन्यवाद देता हूँ फॉर सो जेनरस इन गिविंग इज लव टू मी एक ऐसे परमेश्वर का जो इतना उदारता से मुझे देता है सो द ओनली क्वेश्चन और ये सवाल आज रहता है फिर भी will you accept this gift क्या अब इस तोहफे को ग्रहण करेंगे और are you going to keep it without opening it या फिर आप उसको अपने पास रखेंगे बिना खोले रखेंगे Or are you going to be like my cousin burn it या आप मेरे भाई की तरह उसको जला देंगे Or are you think going to be like some people keep it unwrapped with the hope i don't i won't use it but i will wait for somebody's somebody else's birthday

और और मैं मैं मिलूंगा दे सकूं अगर पापी होने के नाते अगर मैं ऐसा करता और हमारा स्वर के पिता कितना ज्यादा करेगा इसको ग्रहण करेंगे आमंत्रित अपने जीवन में करेंगे और ये एक प्रेम का इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव और ये एक इसकी एक प्रगतिकरण फॉर गॉड सो लव और ये कहता है परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया What did he do? क्या किया? He gave. He, उसने दे दिया. लव ऑलवेज गिव प्रेम हमेशा देता है एंड से लव ऑलवेज गिव्स ए लव ऑलवेज गिवस प्रेम हमेशा देता है समर्ण रोड दिस अबाउट द डिफरेंस और किसने इस प्रकार से लिखा है कि क्या अंतर आता है जब हम देते हैं तो उफ, ओ, लव क्या फर्क लेके आता है इसके बारे में लिखा है प्रेम के द्वारा क्या फर्क आता है हाउस इज a हाउस और घर एक घर होता है अंटिल लव कम्स थ्रू द डोर जब तक कि प्रेम उस दरवाजे से अंदर नहीं प्रकट करता My dear friends, My friends, a house is not a house until love comes in. And it says, and love intuitively goes around sprinkling that special brand of angel dust that transforms a house into a very special home for a very special people, your family. और वो प्रेम उस घर में जाके उस परिवार के बीच में इस प्रकार से एक परिवर्तन को लाता है और एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर एक अच्छा वातावरण को लाता है इफ आई लव माई हाउस अगर मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ आई वुल डू समथिंग टू मेक द हाउस बेटर और मैं उस घर में ऐसा चीजें करूंगा जिससे वो घर अच्छा लगे If I find something bad, I pick it up.

Money, of course, can buy a charming house. Or, shad money can buy a very beautiful But only love can furnish it with a feeling of home. But only love can furnish it with a Listen to this. Listen to this. Duty can pack an adequate sack of lunch box. Or, perhaps, the work you do can you feel ड्यूटी आपका जिम्मेदारी से आप बड़ा एक खाना बना सकता है लंच बॉक्स बना के दे सकता है ये आपका ड्यूटी है बट अगर आपके पास प्यार है तो आप उसमें एक नोट लिख के रखेंगे आई लव यू इफ यू लव द पर्सन यू विल नॉट ओनली मेक अ लंच बॉक्स फॉर द पर्सन यू विल पुट ए स्टिकी नोट दैट सेव यू और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो सिर्फ आप उसके लंच बॉक्स बना के नहीं देंगे लेकिन उसमें आप लिख के देंगे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ मनी कैन प्रोवाइड टेलीविजन शायद पैसे से आप एक टीवी खरीद सकते हैं बट लव एंड इनफ टू से नो एंड टेक द रिमोट कंट्रोल अवे सो दैट योर चाइल्ड कैन डू समथिंग एल्स वर्थ वाइल और लेकिन आप प्रेम अगर होगा वहां पर तो शायद आप उस रिमोट उस बच्चे से लेके आप उसको वहां से हटा देंगे क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं पैसा से आप टेलीविजन ले सकता है बट अगर आपका बच्चे को आप प्यार करते हैं तो आप अपना बच्चे को टीवी देखने को मना भी करते हैं क्योंकि कुछ बलाई बातें करें ऑब्लिगेशन चल सेंस द चिल्ड्रन टू होम टू बेड ऑन टाइम और जो घर के नियम होते हैं शायद वो बच्चों को टाइम पे बैठ तक ले जाते हैं बट वेन यू हैव लव

obligation can make you cook a meal shut up because aap ek niyam ke roop mein aap shayad ek khana ko bana sakte hain but if you have love lekin agar prem wahan hai you will serve it on the table aap usko khane ko table mein parosenge you will put a candlelight in front shayad ek mombatti ko beech mein jalayenge and turn off the light turn off the light aur aap shayad usko bijli ko band kar denge bulk and you sit exactly on the opposite opposite aur uske samne baith ke look eyeball to eyeball

शायद जिम्मेवारी के रूप में आप एक एक पत्र को लिखेंगे चिट्ठी लिखेंगे बट वेन यू है जोक शायद आप एक मजाक करेंगे बीच में यू आर एबल टू हैसी मजाक करेंगे ड्यूटी गेट्स ऑफेंडेड क्विकली इफ इट इफ यू आर नॉट अप्रिशिएटेड और शायद अगर आप किसी को अप्रिशिएट uh, नहीं करेंगे उनकी तारीफ नहीं करेंगे शायद वहां पर एक uh, एक uh, दुख वहां होगा बट लव लर्न टू लाफ अ लॉट एंड टू वर्क फॉर द शेयर जॉय ऑफ डूइंग इट लेकिन जब वहां प्रेम होगा तो शायद आप उस संगति को अनुभव करेंगे आनंदित होंगे duty can make you boil a glass of milk and give to somebody शायद ज़िम्मेवारी के रूप में आप एक garam दूध का glass किसी को दे सकते hain But when was the last time you surprised them with their favorite chocolate powder with the milk? <laughs> These are all from this beautiful book written by James S. Hewitt. And James it's called Illustrations Unlimited. Illustrations <laughs> Unlimited. Illustrations Unlimited. What a beautiful thought I thought.

For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed. From the empty way of life handed down to you from your forefathers. But with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. और किसी इस इस के द्वारा ही वॉज चोजन बिफोर द द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड जो संसार के पति से चुन लिया गया था बट वॉज रिवील्ड इन दिस लास्ट टाइम्स फॉर योर सिख और जो इस समय के द्वारा इस समय में जो प्रकट किया गया यीशु मसीह जीसस इज रिवील्ड टू अस

But, है बट द ग्रेडेस्ट ऑफ The greatest is love. सबसे उत्तम प्रेम है We use this Bible verses quite frequently. और हम बहुत ही ज्यादा रूप में इस वचन को इस्तेमाल करते हैं Faith and hope, आशा और विश्वास will end, खत्म हो जाएंगे Faith and hope. Will end when we go to the grave. But my dear friends, love will not end with the grave. Hallelujah. Hallelujah. Paul is talking about the spiritual gifts that are given to us, and he is saying, unless we use the spiritual gifts with love that God has given us. यहां पर बोल रहा है कि जो ये आत्मिक फल है जो हम परमेश्वर के प्रेम के बिना अगर हम इस्तेमाल करेंगे ऑल आवर एफर्ट्स ऑल आवर हार्ड वर्क एवरीथिंग वी डू इज यूजलेस वी डू इट विदाउट लव और वो कह रहा है कि अगर हम कुछ भी करते हैं कुछ मेहनत मुशक्कत करते हैं अगर प्रेम नहीं है तो वो बेकार है

फेथ इज दश्योरेंस ऑफ दिंग्स वी आर होपिंग फॉर क्योंकि विश्वास इन चीजों की हम आशा रखते हैं उनके लिए विश्वास की जरूरत है होप इज समिंग लॉन्गिंग और वेटिंग टू हैपन और आशा एक ऐसी चीज है जिसकी आप उपेक्षा कर रहे हैं कि जो होने वाली है बट लव इज एन एक्शन लेकिन जो प्रेम है वो एक कार्य है इट इज नॉट ए फीलिंग और इट इज नॉट एन इमोशन वो कोई महसूस करने वाली चीज नहीं है लव इज एन एक्शन प्रेम एक कार्य है Amen. Amen. Faith fades away. और जो विश्वास है वो मिट जाएगा बट लव रिमेन्स लेकिन प्रेम बना रहेगा इट इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप टू गार्ड और ये एक आराधना का एक प्रतीक प्रकटीकरण है And so, when you have received such a love in our hearts, और जब आपने इस प्रेम को अपने अनुभव कर लिया है, what do we need to do? अब हमें क्या करना है? Receive it. हमें उसको ग्रहण करना Accept it into your heart. उसको हमें अपने अंदर ले लेना Let है. the love of God fill your heart. परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर भर जाए Let every emptiness in your heart be filled with God's love. और पूरा खालीपन जो हमारे अंदर है वो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा भर जाए And then what do you do? और फिर उसके बाद हमें क्या करना है Freely give it out. उसको हमें बेशर्ती रूप में दे देना है. Give out love. उसको दे देना है Amen? Amen.

वो दयालु है लव डस नॉट एनवी वो गर, वो घृणा नहीं करता लव डस नॉट बोस्ट और वो घमंड नहीं करता लव इज नॉट प्राउड वो घमंड नहीं करता इट डस नॉट डिसऑनर अदर्स वो दूसरों की बेइज्जती नहीं करता लव डस नॉट सीक सेल्फ इट्स नॉट सेल्फ सीकिंग वो अपने 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 तरफ आकर्षित नहीं करता लव इज नॉट सेल्फ एंगर्ड इजीली एंगर्ड वो आसानी से गुस्सा नहीं होता लव does not keep record of the wrongs that others have done वो गलत चीजों का रिकॉर्ड या एक रिकॉर्ड नहीं रखता है लव does not delight in evil और वो गलत चीजों में खुश नहीं होता बट ही rejoices with the truth लेकिन वो प्रेम वो सच्चाई में आनंद करता Love है लव protects

Is what we are to manifest to the world. Or Hallelujah. Hallelujah. And so when this Christmas season is over. और जब ये ये क्रिसमस का मौसम खत्म हो जाता your है क्रिसमस डेकोरेशंस विल बी थ्रोन इनटू द ट्रैश बिन और ये सारे जो आप बनावट डेकोरेशन कर रहे हैं सब the आप बी थ्रोन इन टू गिफ्ट के तोफे के, के रैप आप फेंक देंगे पेड़ जो आपने बाहर से अपने घर में लगा रखे वो सब मिट जाएंगे सब जब भूल जाएंगे अबाउट द सीजन ऑफ द क्रिसमस और दिसंबर ऋतु के बारे में सब भूल जाएंगे रिमेंबर Jesus is the same yesterday, today, and forevermore. His love never changes. He never fails. He is the same God yesterday, today, and forever. Hallelujah. 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 My dear friends, 2,000 years ago, God loved the world and He sent His Son Jesus. And with His birth and with

ये एक प्रेम का तोहफा इज द अल्टीमेट गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग कीप्स ऑन लव और एक ऐसा तोहफा है जो हमेशा देता ही रहता है हालेलुया हालेलुया

इस 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 जीवन को परमेश्वर के प्रेम के सामने पर परमेश्वर आपके उन क्षेत्रों में तक पहुंचना चाहता है। no फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति क्या नो मेरा फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या दुख चोटे हैं परमिएट एवरी एरिया परमेश्वर का प्रेम उन सब के अंदर पहुंच सकता है। वो प्रेम है आज रिसीव द डिवाइन लव आइए इस अद्भुत प्रेम को आज हम ग्रहण करें एक्सपीरियंस इट इन योर हार्ट इसको अपने हृदय में अनुभव करें शेयर इट बाय गिविंग इट टू अदर्स और दू दूसरों तक इस प्रेम को पहुंचाएं मैन